दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर प्राइवेट स्कूल बच्चे को परेशान करें तो फिर आप उनकी शिकायत कहाँ करेंगे ताकि प्राइवेट स्कूल पर कार्रवाई हो। दोस्तों आज से कई वर्ष पहले आश्रम का कॉन्सेप्ट था, गुरु का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर माँ बाप से भी बड़े गुरु को माना जाता था, लेकिन आज इसका कॉन्सेप्ट एकदम बदल चुका है। आज का जो स्कूल है उन्हें केवल और केवल पैसा चाहिए। गुरु और शिष्य का जो कॉन्सेप्ट था वह खत्म हो गया है। आज यह पूरा पूरी कारोबार में बदल गया है। एक पढ़ाई एक तरह का बिजनेस हो गया है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके बच्चे के साथ स्कूल में हरासमेंट हो रहा है, अगर आप फी समय पर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर स्कूल द्वारा आपके बच्चे को बार बार मेंटल टॉर्चर किया जाता है। सभी बच्चों के सामने उसे भला बुरा कहा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, सभी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती की जाती है। आपके बच्चे को टीसी देने की धमकी दी जाती है, एग्ज़ाम में नहीं बैठने की धमकी दी जाती है, और अगर पेरेंट्स को यह बात पता चलता है तो वे भी मानसिक रूप से यहाँ पर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को परेशान होते नहीं देख सकता है। और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की क्या गलती है, और फिर इस तरह से बच्चे को हरास किया जाता है। यहाँ पर पेरेंट्स को भी डर लगता है कि अगर वे आवाज़ उठाएंगे, वे जाकर कुछ करेंगे, तो बच्चे का रिजल्ट ख़राब कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि वे पुलिस के पास जाएं कि आखिर वे कहाँ शिकायत करें। एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें अपना पूरा बजट खराब करना पड़ता है। यहाँ पर होता क्या है कि एक वीक में 7 दिन होता है, और आजकल के स्कूलों में 7 जो दिन होता है उसमें 3-4 इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि फलाने फलाने दिन यह ड्रेस पहन के आना है, फलाने फलाने दिन यह ड्रेस पहनना है। तो फिर यहाँ पर पेरेंट्स का बजट पर भारी पड़ता है, उनका पॉकेट से पैसा अधिक खर्च करना पड़ता है, और फिर बुक्स इतनी महंगी होती है, और फिर अगले वर्ष उसी बुक्स को बदल दिया जाता है। फिर आपने जो बुक्स इतना महंगा में ख़रीदा, अगले वर्ष उस बुक को कबाड़ी में ही बेचने की नौबत आती है। वह बुक कोई भी काम का नहीं होता है। यहाँ पर सरकार को चाहिए कि वह नियम लाए कि अगले वर्ष वह बुक बिक जाए और बुक को ना बदला जाए। लेकिन कोई भी अच्छा काम करने के लिए मनसा सही होना चाहिए। यहाँ पर तो सरकार और स्कूल प्रबंधक द्वारा मिलीभगत होती है, कमीशन का खेल चल रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम कैसे बदलेगा। तो अगर आप समय पर फी नहीं दे पा रहे हैं, और अगर आपके बच्चे को बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, एग्ज़ाम में न बैठने की धमकी दी जाती है, सभी बच्चों के सामने उसे जलील किया जाता है, तो आप यहाँ पर घबराए नहीं। आपको केवल एक जगह शिकायत करनी है, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा। उसके बाद आप एक बार शिकायत कर देंगे तो फिर स्कूल की सारी हैकड़ी निकल जाएगी, और फिर स्कूल पर निश्चित ही कार्रवाई होगी और FIR भी दर्ज होगा। क्योंकि एक बच्चे को मानसिक रूप से टॉर्चर करना, उसे जलील करना एक अपने आप में बड़ा अपराध है, तो यहाँ पर स्कूल के खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप उनकी शिकायत क्या पुलिस में करेंगे? नहीं, आपको यहाँ पर पुलिस से शिकायत पहले नहीं करनी है। देखिए, हर जिले में CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को हिंदी में बाल कल्याण समिति बोलते हैं। हर जिले में CWC होता है यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। आपको वहाँ पर लिखित में एप्लीकेशन देना है, आपको ओरल जाकर नहीं बोलना है, आपको लिखित में लिखकर एप्लीकेशन देना है, तभी आपके बातों का वेटेज होगा। उनका जो कार्य होता है वे बच्चे के राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही होता है। उनके पास मजिस्ट्रेट जैसी शक्तियाँ होती है, उनके पास राइट्स होता है कि अगर बच्चे के साथ भेदभाव होता है, किसी भी तरह का कोई भी गलत होता है, तो वे कार्रवाई करें। वे पुलिस के माध्यम से FIR भी दर्ज करवा सकते हैं, उनके पास इतना पावर मिला हुआ होता है। तो अगर आपके बच्चे के साथ मेंटल टॉर्चर हो तो आपको CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में शिकायत एप्लीकेशन के माध्यम से करनी है। और हर जिले में CWC होता है, आप गूगल करके भी CWC का ऑफिस का एड्रेस निकाल सकते हैं और उनसे शिकायत कर सकते हैं। फिर वहाँ शिकायत करने के बाद पुलिस से भी शिकायत CWC के लोग ही करेंगे और वे कार्रवाई करवाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।